दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बेस्ट इन द वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल के बारे में। दोस्तों, आप सबको बताने में बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि इंडिया अपनी आखिरी मैच इंग्लैंड से हार गई, जिस वजह से पॉइंट टेबल में काफ़ी बदलाव आया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आने लगे तो लाइक जरूर करें। 13.23% के साथ 9वें स्थान पर है बांग्लादेश। यह टीम हाल ही में वेस्टइंडीज से 2-0 से हारी थी। अब इनका अगला सीरीज इसी साल नवंबर में इंडिया के साथ खेला जाएगा। 25.93% के साथ 8वें स्थान पर है न्यूजीलैंड। यह टीम हाल ही में इंग्लैंड से 3-0 से हारी थी। अब इनका अगला सीरीज इसी साल दिसंबर में पाकिस्तान के साथ खेला जाएगा। 33.33% के साथ 7वें स्थान पर है इंग्लैंड। यह टीम हाल ही में इंडिया के साथ 2-2 से सीरीज बराबरी किए थे। अब इनका अगला सीरीज इसी साल अगस्त में साउथ अफ्रीका के साथ खेला जाएगा। 50% के साथ 6ठे स्थान पर है वेस्टइंडीज। यह टीम हाल ही में बांग्लादेश को 2-0 से हराया था। अब इनका अगला सीरीज इसी साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जाएगा। 52.08% के साथ 5वें स्थान पर है इंडिया। यह टीम हाल ही में इंग्लैंड के साथ 2-2 से सीरीज बराबर किए हैं। अब इनका अगला सीरीज इसी साल नवंबर में बांग्लादेश के साथ खेला जाएगा। 52.38% के साथ 4थे स्थान पर है पाकिस्तान। यह टीम हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से 1-0 से हारी थी। अब इनका अगला सीरीज इसी साल जुलाई में श्रीलंका के साथ खेला जाएगा। 54.17% के साथ 3रे स्थान पर है श्रीलंका। यह टीम हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ 1-1 से सीरीज बराबरी किए हैं। अब इनका अगला सीरीज इसी साल जुलाई में पाकिस्तान के साथ खेला जाएगा। 70% के साथ 2रे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। यह टीम हाल ही में श्रीलंका के साथ 1-1 से सीरीज बराबरी किए हैं। अब इनका अगला सीरीज इसी साल नवंबर में वेस्टइंडीज के साथ खेला जाएगा। 71.43% के साथ पहले स्थान पर है साउथ अफ्रीका। यह टीम हाल ही में बांग्लादेश को 2-0 से हराया था। अब इनका अगला सीरीज इसी साल अगस्त में इंग्लैंड के साथ खेला जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि नेक्स्ट टाइम इससे भी बेटर वीडियो आपके लिए ला सकें। और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।